Hello my lovely kids, welcome to your SST class. How are you all? I hope you all are doing good. So children, I am once again back with your book Jellybean Journeys for Class 3 by Brainroot Publications. And today we are going to begin chapter number 6. आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे एंड द टाइटल ऑफ चैप्टर नंबर 6 इज आवर एनवायरनमेंट, यानी हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण. ओके, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उसकी कैसे देखभाल करनी है, किस तरीके से उसे ठीक से रखना है, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो आइए शुरू करते हैं 6th चैप्टर आवर एनवायरनमेंट. In today's chapter, we are going to study pollution in environment, air pollution, land pollution, water pollution, noise pollution, how to protect the environment and save our environment. ये सभी topics आज हम cover करेंगे. लेकिन chapter शुरू करने से पहले, let's do this exercise, that is retrieve. Can you see this picture, children? आप देख सकते हैं, ये समुंदर है, the ship is going and बहुत सारा कूड़ा जो है पानी में जा रहा है. नेम द टाइप ऑफ पॉल्यूशन यू सी इन दिस पिक्चर एंड डिफाइन इट. क्या है ये? वाटर है, वाटर में गंदगी जा रही है, तो दिस इज वाटर पॉल्यूशन. एंड अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन इम्प्यूरिटीज, डर्ट एंड अननेसेसरी वेस्ट, हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स विद वाटर, दैट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. क्या ये पानी हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि ये पानी अब दूषित हो चुका है और इस पानी को यूज़ करने से हम बीमार पड़ जाएंगे. इसीलिए हमें अपनी आसपास की चीज़ों को बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए. आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6. एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट. हम जो भी चीज़ें अपने आसपास या अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं वो सभी हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का एक हिस्सा है ना. पेड़ पौधे, सड़कें, हवा, पानी, हर वो चीज़ जो आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सभी हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं. ठीक है, दिस मीन्स द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट मेक अप अवर एनवायरनमेंट. यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. Plants, animals and humans are living beings. Air, water, land and buildings are some examples of non-living beings. Plants, animals, humans, हम सब जी रहे हैं, that is why we are living beings. And जो लोग हमारी तरह जी नहीं सकते, जो अपनी जगह से इधर उधर नहीं मूव कर सकते या जो सांस नहीं ले सकते है ना, जो स्टिल हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड एंड बिल्डिंग्स. अवर एनवायरनमेंट गेट्स पॉल्यूटेड इन मेनी डिवेज. कई तरीके से हमारे वातावरण में, हमारा जो पर्यावरण है उसमें प्रदूषण फैलता जा रहा है. राइट, पॉल्यूशन यानी इम्प्योर सब्सटेंसेस, गंदगी मिक्स हो रही है, हमें इन्हें रोकना है. लेट अस फाइंड आउट हाउ एनवायरनमेंट गेट्स पॉल्यूटेड. पता करते हैं कि कैसे हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है. पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट, एनी अनफेवरेबल चेंज और डीजनरेशन इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन. यानी प्रकृति या पर्यावरण में कोई भी चेंज आना, कुछ अननेसेसरी या हार्मफुल सब्सटेंसेस जब हमारे पर्यावरण में मिक्स हो जाते हैं उससे भी प्रदूषण फैलता है, इसी को हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, पॉल्यूशन इज एन एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू एनवायरमेंट एंड मेकिंग इट डर्टी, यानी इसको गंदा बनाना. अवर एनवायरमेंट गेट्स पॉल्यूटेड बाय सम ऑफ अवर ओन एक्टिविटीज़. कई जगहों पे तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं हमारे आसपास की जगह को गंदी करने के लिए. द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन. और आज हम इन सभी पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में. वी ऑल नो चिल्ड्रन दैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जीने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है, हम हवा में ही सांस लेते हैं.
क्या हो अगर ये हवा ही गंदी हो जाए, यानी इस हवा में हार्मफुल केमिकल्स मिक्स हो जाए। जब आप वो सांस लेंगे तो वो हवा भी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और हमें बीमार कर देगी। To stay alive and healthy, human beings need to breathe clean air. However, air gets polluted every day due to various human activities. What causes air pollution? Air pollution ka reason kya hai? Factories and industries release smoke and other harmful gases from chimneys into the air. आप देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है उसमें से स्मोक यानी धुआं निकल के वो धुआं एयर के साथ मिक्स हो जाता है और फिर जो एयर है, फ्रेश एयर है, वो पोल्यूटेड हो जाता है। व्हेन गार्बेज एंड ड्राई लीव्स आर बर्न्ड दे आल्सो कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब ड्राई लीव्स, सूखे हुए पत्ते, गंदा कूड़ा, इन सबको जलाया जाता है तो धुआं और बदबू निकलती है, वो भी एयर पोल्यूशन करता है। इसके अलावा हमारी व्हीकल्स में से, हमारे व्हीकल्स में से जो जो स्मोक है ना निकल रहा है वो भी एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। फायर क्रैकर्स जलाने से भी, जो आप जब दिवाली पे पटाखे जलाते हैं तो बहुत धुआं निकलता है, दैट आल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। सो व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन? द एयर पोल्यूशन कॉजेज ब्रीदिंग ट्रबल और एस्थमा, एलर्जीज एंड सीवियर कफिंग। इससे हमें सांस की बीमारियां होने लगती हैं, हमें अस्थमा होने लगता है, हम सांस ठीक से नहीं ले पाते, हमें खांसी हो जाती है, कई बार तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, हमारे लंग्स में डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डर्टी एयर ऑल्सो कॉजेज इरीटेशन इन अवर आइज, इट मेक्स देम रेड एंड वॉटरी। अगर एयर जो है गंदा है तो वो हमारी आँखों के लिए भी नुकसानदायक है, हमारी आँखें लाल और उसमें से बार बार पानी बहेगा, ठीक है, वो भी इरिटेशन क्रिएट करता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि हम बीमार पड़ सकते हैं। अ फैक्ट, अवर एटमोसफेयर इज़ अ स्पेशल लेयर कॉल्ड ओजोन लेयर। हमारे एटमोसफेयर के अंदर एक स्पेशल लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। वो हमें सन के जो यूवी रेज हैं यानी सन की जो खतरनाक हार्मफुल रेज है उनसे प्रोटेक्ट करता है। पॉल्यूशन हैज़ डैमेज दिस लेयर। पॉल्यूशन धीरे धीरे इस लेयर को डैमेज कर रहा है और अगर ये लेयर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी तो फिर सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो रुक नहीं पाएंगी, वो हम तक आ जाएंगी और हम लोग वैसे ही बीमार पड़ जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन। हम जिस धरती पे रहते हैं, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो भी कैसे प्रदूषित हो रही है, वो भी पोल्यूटेड हो जाती है। लैंड गेट्स डर्टी एंड पोल्यूटेड ड्यू टू अवर एक्टिविटीज़। यानी हम जो मनुष्य हैं वो कहीं ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लैंड जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे हम पोल्यूशन कर रहे हैं। मैनी फार्मर्स ओवर यूज फर्टिलाइजर्स विद हार्मफुल केमिकल्स इन देयर फील्ड, दिस मेक्स सॉइल पोल्यूटेड। जब किसान खेती करता है तो अपनी फसल में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स बहुत कुछ मिलाता है और कई बार जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स का यूज़ हो जाता है तो वो सॉइल को यानी मिट्टी को पूरी तरह से ख़राब कर देता है। फैक्ट्रीज डंप देयर वेस्ट ऑन लैंड पोल्यूटिंग द सॉइल। फैक्ट्रीज में से भी जो गंदा कूड़ा या वेस्ट मटेरियल आता है वो भी एक जगह पर डंप कर दिया जाता है तो वहाँ की मिट्टी भी जो है ख़राब हो जाती है। थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन ऑल्सो पोल्यूट्स लैंड। ऐसे खुले में कूड़ा करकट डालना, इससे भी जो है पोल्यूशन बढ़ता है, गंदगी भी फैलती है और पोल्यूशन भी बढ़ता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं? लैंड पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा खतरा या डैमेज कॉज कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? द केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कॉज डिजीजेज इन क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो केमिकल्स हैं ये क्या करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में कई तरह की बीमारियां पैदा कर देते हैं। जब हम इन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को खाते हैं या जानवर इन्हें खाते हैं तब वो क्या पड़ जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जो फल है या सब्जी है उसे लाने के बाद उसे अच्छे से धो के, पोंछ के, साफ करके फिर ही कंज्यूम करना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स पल्यूटेड विथ सच केमिकल फर्टिलाइजर। हमारे जो ग्राउंड वाटर है, जो मिट्टी के अंदर नीचे ग्राउंड वाटर लेवल है, वो भी इन
फर्टिलाइजर्स या इन न्यूट्रिएंट्स केमिकल हार्मफुल केमिकल और सब्सटेंसेस की वजह से पॉल्यूटेड हो जाता है. एज मोर एंड मोर हार्मफुल थिंग्स गेट एडेड टू द सॉइल द क्वालिटी बिकम्स पुअर. सॉइल भी जो है खराब हो जाती है. अब हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में. We cannot live without water. Farmers need water to grow crops. Animals, birds and plants need water too. हमने लास्ट चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ा है. हमें पता है कि वाटर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हर दूसरा काम करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. और हमने ये भी पढ़ा है कि अर्थ पे पानी तो बहुत सारा है, लेकिन एक्चुअल यूज़ के लिए हम हर पानी को यूज़ नहीं कर सकते. जो एक्चुअल फ्रेश वाटर है वो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है. अगर उस कम क्वांटिटी के वाटर को भी हम लोग प्रदूषित कर देंगे या उसे गंदा कर देंगे, फिर तो हमारे लिए पानी बचेगा ही नहीं, है ना. However, most of the water in river lakes and tanks is polluted because of our activities. See, यहाँ पे क्या हो रहा है, कूड़ा करकट डला हुआ है, गार्बेज डला हुआ है, फैक्ट्रीज में से, ड्रेन्स में से गंदा पानी आकर रिवर वाटर में मिक्स हो रहा है. What causes water pollution? Sewage water from cities and towns flows directly into rivers, making the water unfit for use. People bathe and wash clothes and cattle in rivers and pond. In doing so, they pollute the water. कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं नदी में ही कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, वो सारा गंदा पानी नदी में मिक्स हो रहा है. यहाँ तक कि जो पशु हैं उनको भी उसी में धुलवा रहे हैं. तो वो सारी गंदगी कहाँ जा रही है, वो गंदगी पानी में ही तो जा रही है ना. तो वो पूरा पानी अनफिट हो गया, उसको अब हम पिएंगे या किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बीमार पड़ेंगे. वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑल्सो फ्लोज इन टू रिवर एंड पॉल्यूट्स इट्स. जो वेस्ट वाटर है वो भी कहाँ जा रहा है, वो भी नदी में जा रहा है और ये भी पॉल्यूशन ही करेगा. समटाइम्स शिप्स स्पिल हार्मफुल वाटर और वेस्ट ऑयल इन टू द सी एंड ओशंस कॉजिंग पॉल्यूशन. कई बार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी ships हैं उसमें से oil जो है leak करके ocean water में या river water में mix हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी भी polluted हो जाता है. Harmful effects of water pollution. Water pollution होने से क्या होता है, polluted water causes diseases such as cholera, jaundice and typhoid. है ना, अगर प्रदूषित पानी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें कॉलेरा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है या फिर टाइफॉइड हो सकता है. इसके अलावा वाटर इज़ अ होम ऑफ मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना. एक्वेटिक लाइफ, जो पशु या जो पेड़ पौधे पानी के अंदर रहते हैं वो भी तो डैमेज हो जाएंगी, जैसे फिशेज हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, है ना, स्टार फिश, सी हॉर्स, ये सब अंदर रहते हैं पानी के, ये खराब हो जाएंगे. डर्टी वाटर किल दीज एनिमल्स एंड प्लांट. अगर पानी गंदा होगा तो ये लोग भी मर जाएंगे. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट नॉइज पोल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण. कभी आपने देखा है बच्चों, जब आप किसी पार्टी में या किसी गैदरिंग में या फंक्शन में जाते हैं तो कई बार बहुत तेज़ लाउड स्पीकर बजने लगता है. इतना तेज़ म्यूज़िक कई बार हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे कान जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं. साउंड विच इज़ हार्श एंड नॉट प्लेजेंट टू अवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज़. यानी ऐसा आवाज़ जो हमारे कानों के लिए अनप्लेजेंट है या बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं. हाई लेवल ऑफ नॉइज़ लीड्स टू नॉइज़ पोल्यूशन. यानी जब हम बहुत तेज़ कोई आवाज़ सुनते हैं या किसी बहुत ज़्यादा अगर हम तेज़ आवाज़ें सुनेंगे तो इसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो सकती है और इसी को हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं. व्हाट कॉजेज नॉइज़ पोल्यूशन. एक्सेसिव यूज़ ऑफ हॉर्न कॉजेज नॉइज़ पोल्यूशन. जब हम ट्रैफिक जाम में होते हैं कई लोग हॉर्न बजाते ही रहते हैं, तो इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है. सर में दर्द शुरू हो जाता है ना. लाउड स्पीकर्स कॉज नॉइज़ पोल्यूशन. बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर ऑल्सो एड्स टू नॉइज़ पोल्यूशन. यानी पटाखे जलाने से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है. वॉचिंग टेलीविजन एंड लिसनिंग टू रेडियो एट अ हाई वॉल्यूम ऑल्सो कॉजेज नॉइज़ पोल्यूशन. अगर आप टीवी देख रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है तो उससे भी क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है. हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन.
लाउड नॉइजेस कैन हार्म अवर ईयर्स एंड अवर एबिलिटी टू हियर, यानी हमारे कान खराब हो सकते हैं, या तो कान में थोड़ी सुनने की समस्या हो जाएगी या फिर कान कम्प्लीटली ख़राब हो जाएंगे और हमें सुनाई देना ही बंद हो जाएगा। नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज हेडेक एंड इरीटेशन, बहुत ज़्यादा तेज़ अगर नॉइज़ सुनेंगे या आवाज़ सुनेंगे उससे सर दर्द और इरीटेशन होने लगता है, राइट। नॉइज़ पोल्यूशन मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कॉन्सेंट्रेट एंड डज नॉट लेट अस थिंक क्लियरली, अगर हमारे आसपास बहुत शोर हो रहा होगा तो हम कुछ भी ढंग से सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ओके। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, बच्चों हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पर्यावरण को किस तरह से नुकसान हो रहा है या क्या क्या चीज़ों से हमारे एनवायरनमेंट को खतरा है। अब ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर स्लोली डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, देयरफॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट बाय कीपिंग अवर एनवायरनमेंट क्लीन, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसी तरीके हैं जिसकी वजह से हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं गंदगी फैलाने के लिए, तो हम ही लोग अगर एकजुट होकर ध्यान से काम करेंगे तो फिर ज़रूर हम क्या कर सकते हैं, हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, है ना। बाय कीपिंग अवर एनवायरनमेंट क्लीन वी कैन लिव अ हाइजीनिक एंड डिजीज़ फ्री लाइफ, जब हम एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे तो हम एक हाइजीनिक और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं, ओके। सेविंग अवर एनवायरनमेंट, कैसे हम अपने पर्यावरण को बचाएं, वी कैन प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट इन मेनी वेज, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, इसमें से कुछ जो तरीके हैं उनको हम जान लेते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज़ गार्बेज बिन्स टू थ्रो गार्बेज, हमें गार्बेज बिन्स यूज़ करने चाहिए ताकि गार्बेज को या कूड़ा करकट इधर उधर ना फैलाएं, प्रॉपर तरीके से हम कूड़ा कलेक्ट कर सकें। वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथिन बैग्स एंड ओनली यूज़ पेपर बैग्स मेड ऑफ पेपर और क्लोथ, हमें जो है पॉलीथिन बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए, हमें या तो कपड़ों के बैग या फिर पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए। वी शुड यूज़ व्हीकल्स फिटेड विद CNG किट्स इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम, CNG मीन्स नेचुरल कंप्रेस्ड गैस, जो कि इको फ्रेंडली है यानी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, इट इज़ मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली देन अदर फ्यूल्स। वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स, दे क्रिएट नॉइज एंड रिलीज हार्मफुल स्मोक इन द एयर, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए और अगर बाई चांस जलाते भी हैं तो बहुत कम, मिनिमम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत सारा प्रदूषण हो जाता है। बर्स्टिंग क्रैकर कैन लीड टू नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो एंड एयर पोल्यूशन ऑल्सो। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, ट्रीज मेक एयर फ्रेश एंड क्लीन, हमें जितने हो सके अपने चारों तरफ पेड़ पौधे उगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो हैं वो वातावरण को शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं। वी मस्ट फॉलो द 3 R's, दैट इज़ रीयूज, रिड्यूस एंड रीसाइकल, जो सामान हमारे पास है उसको जितना हो सके बार बार इस्तेमाल करें, रीयूज करें अलग अलग तरीके से। रिड्यूस का मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम वेस्टेज करें, वेस्ट बिल्कुल मिनिमम हो या फिर ना हो। एंड रिसाइकल मीन्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि पुरानी चीज़ें जो हमारे पास हैं उन्हें यूज़ करके कुछ नया बनाया जा सके, जिससे हम नया और यूज़फुल काम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में अगर न्यूज़पेपर्स हैं तो उनसे हम पेपर बैग्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ताकि डेकोरेशन मटेरियल बन सके घर पे, राइट। ऐसे ही हमारे पास अगर बॉटल्स और जार्स हैं तो उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं घर में स्टोरेज के लिए, है ना, सामान स्टोर करने के लिए। अगर पुराने कपड़े हैं तो इनसे हम कवर्स बना सकते हैं, कर्टन्स बना सकते हैं, राइट। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट, ओके। सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी हैव कम अक्रॉस 3 न्यू टर्म्स दैट इज एनवायरनमेंट पोल्यूशन, यानी एनीथिंग, एनी अनफेवरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज हार्म टू एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सीवेज, ह्यूमन वेस्ट एंड डर्टी वाटर फ्रॉम ड्रेन्स, राइट, एंड फर्टिलाइजर्स मीन्स जो केमिकल्स या नेचुरल
सब्सटेंसेस सॉइल में यानी मिट्टी में मिलाए जाते हैं ताकि सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल और शक्तिशाली बनाया जा सके. ओके, नाउ लेट्स क्विकली लुक ओवर व्हाट ऑल वी स्टडीड इन दिस चैप्टर. आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एन एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. द फोर मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पीपल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक, नन ऑफ दिस. सो पीपल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बेटा. ओके, सेकेंड देयर आर डैश टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, 3, 4, 5, 6. कितने तरह के पॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा? हमने 4 तरह के पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज. सो 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. थर्ड, बर्स्टिंग फायर क्रैकर कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बोथ ए एंड बी, लैंड पॉल्यूशन. सो बोथ ए एंड बी, नॉइज पॉल्यूशन भी करता है और एयर पॉल्यूशन भी करता है. फोर्थ, व्हीकल शुड बी पावर्ड बाय CNG, नेचुरल कंप्रेस्ड गैस, that is compressed natural gas. Okay, fifth one, we can save our environment by planting trees, wasting water, cutting trees, bursting cracker. तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ हमारे वातावरण को सुंदर भी बनाता है और उसको शुद्ध भी करता है, right? प्यूरिफाई भी करता है. Now let's move further children, आगे बढ़ते हैं. We have fill in the blanks, so let's do them one by one. Exercise number B, first part. Everything around us is a part of our environment. हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सभी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है, है ना? हमारे आसपास का वातावरण हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है. Second, dash is an act of causing harm to our environment, pollution. यानी प्रदूषण, ठीक है, पॉल्यूशन. थर्ड, डैश एंड डैश थिंग्स मेक अप अवर एनवायरनमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. नेक्स्ट, फोर्थ, डैश नीड्स वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, फार्मर्स, ठीक है. फिफ्थ, पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज डिजीज सच एज कॉलेरा, जॉन्डिस एंड टाइफॉइड. ओके, नेक्स्ट, सिक्स, डैश इज मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली देन अदर फ्यूल्स, CNG. अभी बताया था ना बेटा, हम लोगों ने चैप्टर जब पढ़ रहे थे कि CNG बाकी फ्यूल से ज़्यादा बेटर है बिकॉज इट इज इको फ्रेंडली फ्यूल. नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज नंबर सी, राइट वेदर दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है कि क्या ये वाक्य सही हैं या गलत हैं. बर्निंग गार्बेज कॉजेज एयर पोल्यूशन, येस दिस इज ट्रू. जो धुआं निकलता है, बदबू आती है, उससे एयर पोल्यूशन. सेकेंड, बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स कॉजेज लैंड पोल्यूशन, नो दिस इज फॉल्स, उससे नॉइज और एयर पोल्यूशन होता है. थर्ड, लाउड नॉइजेज कैन हार्म अवर ईयर्स, येस ट्रू. ज़्यादा तेज़ सुनने से हमारे कान खराब हो सकते हैं. फोर्थ, वाटर इज होम ऑफ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, येस ट्रू. बहुत से जीव जंतु जो हैं पानी के अंदर रहते हैं या पानी में रहते हैं. फिफ्थ, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन कॉज लैंड पोल्यूशन, येस बिल्कुल. अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो लैंड की जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाएगी और लैंड पोल्यूशन होगा. सो चिल्ड्रन, हैव यू नोटेड डाउन दीज? आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन ऑल द आंसर्स. नाउ लेट्स डू मैच द फॉलोइंग. ओके, एक्सरसाइज डी, मैचिंग. वाटर पोल्यूशन क्या करती है? वाटर पोल्यूशन कॉलेरा करता है, राइट? लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन. एयर पोल्यूशन,
एयर पोल्यूशन से एस्थमा होता है, राइट। ट्रीज एंड प्लांट्स कीप द एयर क्लीन, ये वातावरण या पर्यावरण को प्योर करते हैं, शुद्ध रखते हैं। और नॉइस पोल्यूशन से होता है लाउड स्पीकर से, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन लाउड स्पीकर से होता है। नाउ चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज ई पार्ट यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिस यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, हम चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू वुड बी वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट इज पोल्यूशन, है ना, एडिंग एनी हार्मफुल सब्सटेंस दैट कॉजेज डैमेज और हार्म टू एनवायरमेंट इज नोन एज पोल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या क्या है, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ऐसे ही हाउ डज एयर पोल्यूशन हार्म अस, एयर पोल्यूशन हार्म्स अस बिकॉज वी कैन नॉट ब्रीद इन प्योर एयर, वी विल फेस डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज लाइक एस्थमा, लंग डिजीजेज वुड बी देयर, हार्मफुल सब्सटेंसेज विल एंटर इन साइड अवर बॉडी, इट विल इरीटेट अवर आईज ऑल्सो, राइट। What are the harmful, explain the causes of water pollution. Water pollution कैसे होता है, sewage water, है ना, washing clothes and utensils in river water, bathing cattle in river water, or leakage of ships, है ना, उसमें से जब oil flow करता है, इन सब की वजह से water pollution होता है। What are the harmful effects of noise pollution, we cannot hear properly, है ना, we will lose our hearing impair power. So noise pollution can cause headaches also, irritation also, concentration problems also. Then what are the harmful effects of water pollution, water pollution ke bahut sare harmful effects hain, aquatic plants and animals will die, we will suffer from diseases like cholera, jaundice and typhoid, so many, there would be no water available for drinking also. Three ways in which we can save environment, reduce pollution, plant more trees and follow the 3 R's, that is reduce, reuse and recycle. So this portion has to be done by your own, aap khud karenge, okay. So with this we come to an end to this chapter as well. I hope children that you have understood the importance of our environment and you have also realized how to save the environment. हमें कैसे अपने environment को बचाना है, हम environment को बचाएंगे तभी हम खुद भी अच्छे से रह सकेंगे, okay? तो इसीलिए बच्चों हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और कोशिश करना है कि हमारे आसपास के resources ख़राब ना हो, उन्हें हम pollute ना करें. So with this children we come to an end to today's session. I will meet you again very soon with a new chapter of your book, that is Jelly Bean Journeys. So stay tuned for the upcoming videos. Bye bye and take care for today.